कानपुर के विधायक ने दुर्गा पूजा मेला का उद्घाटन किए। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। समस्तीपुर के स्थानीय विधायक सह बिहार विधानसभा में उप मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कल सोमवार को तथा आज मंगलवार को समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के चकनूर, पोखरेरा, वाजिदपुर, पुनास, सिंगिया, बेला, लगुनिया, सूर्यकंठ, समस्तीपुर शहर, हरपुर, एलोत, बांदे, बेजा, डीही, हकीमाबाद, विशनपुर, मोरदीवा, केवस, छतोना आदि पंचायतों के विभिन्न दुर्गा पूजनोत्सव के पंडालों का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिया। वहाँ की कई पंडाल के पास मेले का उद्घाटन किया, साथ ही पंडाल व मेला में मौजूद लोगों की समस्याओं को सुनकर आवश्यक व उपेक्षित पहल का भरोसा दिलाया। मेला व सांस्कृतिक कार्यक्रम के उद्घाटन के क्रम में उद्गार व्यक्त करते हुए विधायक ने कहा कि कोई भी पावन पर्व हमें प्रेम, इंसानियत, मोहब्बत, भाईचारे, सामाजिक सद्भाव का संदेश देती है। उन्होंने लोगों से पर्व को सौहार्द पूर्ण और प्रेम पूर्वक मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि विजयादशमी बुराई पर अच्छाई व अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। पूजा पंडालों में भ्रमण के दौरान आम आवाम को शुभकामनाएं दी। मौके पर बिहार विधानसभा के उप मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन के साथ जिला राजा प्रवक्ता कुमार ठाकुर, प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार शोले, ट्रेड यूनियन नेता राजा राम राकेश उर्फ चुलबुल यादव, जिला राजद सचिव राकेश यादव, युवा राजद के प्रदेश महासचिव पप्पू यादव, मुखिया राजीव कुमार राय, मुन्ना यादव, राजद नगर अध्यक्ष उमेश प्रसाद यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार यादव, राजद शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव डॉक्टर रजनीश कुशवाहा, उत्कृष्ट बैंक के वरीय प्रबंधक रवि आनंद, राजद नेता सैयद एहसानुल हक चुन्नी, ज्योतिष महतो, रविन्द्र कुमार रवि, मनोज पटेल, मोहम्मद आसिफ इकबाल, मोहम्मद अमरोज आलम, रंजीत कुमार रब्बू, मोहम्मद बशीर, मोहम्मद कादिर, सुरेश राय, अरविंद राय, अशोक शाह, राकेश कुशवाहा, अरुण कुशवाहा, जितेंद्र कुशवाहा, अंकित वर्धन, विशेश्वर राय, प्रमोद कुमार पप्पू, शशि यादव, सतीश यादव, जयलाल राय, मुकेश यादव, सुमन अधिकारी, अरविंद शर्मा, विमल पासवान, गोपाल महतो, विनोद महतो, सुदेश्वर पासवान, सत्यनारायण राय, राहुल राय, मनोज पासवान तथा राजेश महतो आदि मौजूद थे। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पी न्यूज।